आज हम बनाने वाले हैं ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र। तो उसके लिए मैंने जो वेस्ट कार्डबोर्ड था, बॉक्स था मेरे पास एक, तो उसी का यूज़ किया। सबसे पहले सेलो टेप से सारे तरफ से कॉर्नर्स उसके सील करके लेने हैं हमें। इसकी जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच रखी और चौड़ाई 10 इंच है। इधर से हमें उसे कट कर देना है, बीच में से पूरा नहीं कट करना है, और ऊपर तक हमें हाइट इसकी मेजर करना है। मैं हाइट इसकी 6 थी तो मैंने 6 पे ही पहले कट कर दिया था ताकि जॉइंट करने में इजी हो जाए। और फिर सेलो टेप की मदद से मैंने इसे थोड़ा प्रॉपर शेप देने की कोशिश की, क्योंकि जब कट कर रही थी तो उस वक्त ये थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, लेकिन सेलो टेप की वजह से ये अच्छे से फिक्स हो गया। अब दोनों साइड के कॉर्नर्स को सेलो टेप्स की मदद से चिपका रही हूँ मैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ऊपर के हिस्से को कट कर देना है। इसकी जो हाइट है वो 6 इंच थी, लेकिन मुझे 6 नहीं चाहिए थी, 4 चाहिए थी, तो मैंने 4 पे उसे मार्क कर दिया है और फिर कैंची की मदद से कट कर दिया हूँ। जितना हमारे बॉक्स की चौड़ाई थी यानी 10x4 इंच का मैंने यहाँ पे 3 पट्टियाँ कट की और एक पट्टी को बीच में से कट कर दिया। तो हमें कुछ इस तरह से उसे ऑर्गेनाइज करना है। तो लेकिन उससे पहले हम इसके मेजर्स के कपड़े कट करने वाले हैं। जी हाँ, कपड़े कट करने वाले हैं। तो ये है 19x23 इंच का एक वाइट फैब्रिक या वाइट क्लोथ, ओके, जिसे हम बॉक्स के नीचे या बाहर के साइड में चिपकाने वाले हैं इस तरह से। ग्लू गन का आप इस्तेमाल कर सकते हो या फिर किसी और ग्लू का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इसे चिपकाने के लिए। मैंने इसे चिपका दिया और कॉर्नर जो एक्स्ट्रा था उसे कट करके फिर वापस ग्लू से की मदद से, ये मल्टीपिक्स ग्लू का यूज़ किया मैंने यहाँ पर चिपकाने के लिए। अब इसके अंदर की जो हमको साइज़ है वो मेजर करके लेनी है। तो ये 22 था बट मैंने फैब्रिक 24 लिया है, और ये 18 था जिसके लिए मैंने 19 इंच का फैब्रिक लिया है। तो टोटल हमें 24x19 इंच का फैब्रिक लेना है और ग्लू की मदद से चिपका दे जाना है। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।